अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद रवीज अजमल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल। द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर साइटोकाइनेसिस, वी डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड एरर्स इन माइटोसिस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बाय द एंड ऑफ लेसन यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट what is cytokinesis, cytokinesis in animal and in plants, significance of mitosis and about errors in mitosis. cytokinesis is the division of cytoplasm, yani cytoplasm ke divide hone ko hum kya kehte hain, cytokinesis kehte hain. aur iske result mein hota kya hai ki ek jo cell hai parental cell wo do daughter cell mein इक्वली डिवाइड हो जाता है। प्लांट और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट तरह से होती है। इन केस ऑफ एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। अ क्लीवेज फ्यूरो डेवलप्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी, द फ्यूरो डीपन्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है बाय क्लीवेज फॉर्मेशन। जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या इसमें कि जो मेटाफेज प्लेट है वहां पे क्लीवेज फ्यूरो डेवलप होगा। अब ये जो क्लीवेज फ्यूरो है यहाँ पे, इसमें माइक्रोफिलामेंट अपना रोल प्ले करेंगे। रोल क्या होगा यहाँ पे, इनवर्ट मूवमेंट करवाना। इनवर्ट मूवमेंट किसकी होगी यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो माइक्रोफिलामेंट उनको इनवर्ड मूव करवाएंगे और ये क्लीवेज फ्यूरो फर्दर आगे डीप इनसाइड द सेल जो है वो मूव करेगा। और जब ये मूव कर जाएगा तो लास्ट पे जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस एनिमल्स में। देन वी डिस्कस साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। वेसिकल्स ड्राइव फ्रॉम द गॉल्जी एपरेटस मूव टू द मिडल ऑफ सेल and fuse to form a membrane bounded disc called cell plate or phragmoplast. इस डायग्राम में हम देखें तो जो वेसिकल हैं, ये वेसिकल एक्चुअली गोल्जी अपरेटस से आ रहे हैं। गोल्जी अपरेटस इनको सीक्रेट करता है और ये वेसिकल कंटेन करते हैं किसको, सेल वॉल के मटेरियल को। जो सेल वॉल का मटेरियल है वो सेलुलोज पे कंसिस्ट करता है। गोल्जी अपरेटस से वेसिकल मिडल ऑफ द सेल आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। जब इनकी फ्यूजन होगी तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बना देंगे सेल प्लेट या फ्रेग्मोप्लास्ट। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मोर वेसिकल फ्यूज विद इट। फाइनली मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कॉन्टेंट्स ज्वाइन द पेरेंटल सेल वॉल्स। द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल्स ईच बाउंड बाई इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे जैसे ये सेल प्लेट, या हम इसको फ्रेग्मोप्लास्ट भी कह सकते हैं, ये ग्रो करेगी तो मोर वेसिकल इसके साथ फ्यूज होंगे और फाइनली ये किसके साथ अटैच होगी, जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी और लास्ट पे इवेंचुअली ये क्या करेगी, सेपरेशन कॉज कर देगी और जो पेरेंटल सेल है उसको दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देगी। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर्स। ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल। माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो कंपोजिशन या जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में है वही सेम एज इट इज उसके डॉटर सेल में भी होगा। इस डायग्राम में हम देखें तो जो एक सिंगल डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोसोम नंबर्स कंटेन करता है। जब ये पेरेंट सेल माइटोसिस के जरिए दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो इसके क्रोमोसोम नंबर और इसकी कंपोजिशन भी सेम रहेगी, यानी जो इसके पेरेंट सेल की कंपोजिशन और क्रोमोसोम नंबर होगा वही इसके डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होगा। Then है development and growth. Number of cells within an organism increase by mitosis. This is the basis of the development of multicellular body from a single cell, i.e. zygote, and also the basis of the growth of multicellular
बॉडी। जब स्पर्म सेल और एग फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो एक्चुअली क्या होता है? सिंगल सेल होता है। जब ये जाइगोट फर्दर डिवेलप करता है तो ये किस प्रोसेस के जरिए डिवेलप करता है? माइटोसिस के जरिए। यानी एक सेल से दो सेल का बनना किस प्रोसेस से होता है ह्यूमन डिवेलपमेंट में या डिवेलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में? तो वो माइटोसिस के जरिए ही होता है। तो यही सेल आगे फर्दर डिवाइड होते जाएंगे और एक मल्टीसेलुलर बॉडी को बनाएंगे। और हमें पता है कि मल्टीसेलुलर बॉडी में जो सेल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्स आपस में डिवाइड होते जाएंगे और सेल से फिर क्या बनेंगे? सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन सिस्टम बनेंगे जो कि मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। देन है सेल रिप्लेसमेंट। इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी ईजी स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लग्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस्ड। हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स या स्किन या डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल तो वो कंटिन्यूसली ओल्ड सेल रिप्लेस होते हैं न्यू वन सेल से और वो किस प्रोसेस से होते हैं? वो एक्चुअली माइटोसिस के प्रोसेस से ही होते हैं। और हमें पता है कि माइटोसिस के प्रोसेस में एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो बनती हैं। यानी जो पेरेंट सेल होता है, जो कंपोजिशन, जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होते हैं वही एज इट इज उसके डॉटर सेल में भी होंगे। इसी तरह रेड ब्लड सेल में भी। रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 4 months एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। रेड ब्लड सेल्स जिनका लाइफ पीरियड 4 months होता है वो भी कंटिन्यूसली रिप्लेस होते हैं आफ्टर देयर लाइफ स्पैन बाय न्यू रेड ब्लड सेल्स। और वो किस प्रोसेस से होते हैं? वो भी एक्चुअली माइटोसिस के प्रोसेस से होते हैं। रीजनरेशन। सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल सी स्टार रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी के डीजनरेट पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर सके। और ये किस प्रोसेस से होती है? ये भी माइटोसिस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार जो कि एक इनवर्टिब्रेट है, अगर उसका एक बॉडी पार्ट या आर्म, अगर उसका एक आर्म लॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा माइटोसिस के जरिए उसको रीजनरेट कर सके। इसी तरह हम कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं कि घरों में अक्सर जो लिजर्ड होती है उसकी अगर टेल लॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा उसको रीजनरेट कर ले। देन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली माइटोसिस का प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हाइड्रा एक इनवर्टिब्रेट है जो रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। द सेल्स एट द सर्फिस ऑफ द हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म अ मैस कॉल्ड बड। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल ऑफ बड एंड इट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस होता किस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रा में एक टिनी बड जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसमें माइटोसिस का प्रोसेस कैरी होता है और बड जो है वो ग्रो करता है। और जब ये बड मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंटल बॉडी से डीटैच हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल के तौर पे ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में भी, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, उसमें भी कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस का। द सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जो कि प्लांट में इस प्रोसेस को करवाया जाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक प्लांट से हम उसके एक स्मॉल पोर्शन को कट कर लेते हैं और उसको सॉइल में या हम उसको पॉट में ग्रो करवाते हैं और ये जो प्लांट होता है बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट की तरह ग्रो करता है। देन है एरर्स इन माइटोसिस। ट्यूमर ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स।
ट्यूमर क्या है कि एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ, किसी भी बॉडी के किसी भी पोर्शन में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे कॉज कैंसर, अगर माइटोसिस के प्रोसेस में कुछ एरर्स हों तो वो कैंसर का सबब बन सकते हैं। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स का फंक्शन क्या होता है, ये जीन्स एक्चुअली कंट्रोल करते हैं किसको, कि सेल ने किस वक्त डिवाइड करना है और कितने टाइम्स डिवाइड करना है। समटाइम्स म्यूटेशन अकर इन सच जीन्स, अगर इन जीन्स में कोई भी म्यूटेशन आ जाएं यानी चेंजेस आ जाएं तो जो सेल की एक्टिविटी होगी, यानी जो सेल ने किस वक्त डिवाइड करना है या कितने टाइम्स डिवाइड करना है, तो वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर आर ऑल्सो नोन एज नॉन कैंसरियस ट्यूमर्स। If the tumors remain in the original location, they are called benign. अगर एक ही जगह पे ट्यूमर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही प्रेजेंट रहते हैं, यानी वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ मूव नहीं करते, तो उस तरह के ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, benign ट्यूमर कहते हैं। Then second है malignant ट्यूमर, malignant ट्यूमर are also known as cancerous ट्यूमर। If they invade other tissues, they are called malignant, which means cancerous. Tumors and their cells are called cancer cell. अगर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू की तरफ मूव करें और वहां पे कैंसर कॉज करें, they are called malignant cancerous tumors. और malignant ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली कैंसर सेल्स होते हैं, यानी इनकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड डिविजन होती है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जाते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि benign ट्यूमर ये एक ही जगह पे लोकेटेड हैं, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और इनके जो सेल हैं वो कैंसरियस नहीं होते। कि मेलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स हैं जो एक्चुअली कैंसर का सबब बनते हैं, कैंसरियस इन नेचर होते हैं, वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या एक बॉडी के पोर्शन से दूसरे बॉडी के पोर्शन तक ईजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। मेटास्टेसिस, such tumor can send cancer cells to other parts in body where new tumor may form. This phenomena is called metastasis or spreading of disease. Metastasis aisa process hai ya aisa phenomena ke jisme tumor cell, malignant tumor cell jo cancer cause karte hain, wo ek organ se dusre organ mein apne cancer cell ko transfer kar sakte hain, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। इस डायग्राम में हम देखें तो लंग्स में एक्चुअली कैंसरियस सेल्स प्रेजेंट थे, वो ट्रांसफर हुए थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे, लिवर में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोकाइनेसिस को देखा कि साइटोकाइनेसिस क्या है, देन वी डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस and then errors in mitosis. Now we move toward assessment and assignment of topic. Important MCQs. Cytokinesis occurred by a process known as option A cleavage, B phragmoplast, option C both A and B, or option D none of these. Then second, C star regenerates its lost arm through A option meiosis, B mitosis, C budding, or D both A and B. Third MCQ is Hydra reproduce asexually by budding, B option meiosis, C phragmoplast, or D none of the above. Then fourth MCQ is if the tumors invade other tissues they are called malignant, option B benign, C option both A and B, or D none of these. तो आप लोगों ने इसमें से सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन शॉर्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन साइटोकाइनेसिस, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट्स,
हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड व्हाट इज मेटास्टेसिस. नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. Write a note on significance of mitosis and write a note on cytokinesis. So students, ये था आज का हमारा lecture. Thank you and Allah Hafiz.